अशोक है ऐसा रहा ये सारा अरे यहाँ खींच ले बेटा आइए पलैया के ऐसे मोड़ के एक जना चढ़ा ऊपर गाड़ी पर। एक घर से एक इंसान 18 साल के बाद नौजवान हो जाता है और 40 साल तक लगभग शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है। अगर एक एक घर से एक एक नौजवान एक पेड़ एक वर्ष में तैयार करे तो मैं फर्ज करता हूँ कि कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं होगा जहाँ 1800 युवक न हो, तो कहाँ कहीं धरा का भाग हरा बगैर बाकी थोड़ी रहेगा। तो यही मैं बताता हूँ कि एक वर्ष में एक ही तैयार, ये नहीं कि लगाइए और डेकोरम पूरा कीजिए, बड़ा फाइल रजिस्टर बनाइए और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराइए। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ कि ज़मीन पे काम कीजिए और मजबूती से कीजिए ताकि वह मिसाल बन के कायम रहे। जैसे मैंने कर दिया, आज 40-50 गांव का मेरा मिसाल है कि उस गांव में एक भी कब्रिस्तान श्मशान बंजर की ज़मीन हो, सड़क का किनारा हो, नहर हो, पोखरा हो, स्कूल हो, सचिवालय हो, खेल का मैदान हो, खाली नहीं छोड़ा हूँ। वहाँ भी आज हमारे पेड़ तैयार है, मैं पौधे नहीं लगाता। पौधे तो छोटे छोटे जो लोग भागते हैं बाग बगीचे लगाने के लिए, मैं उन्हें दे देता हूँ, इसलिए कि वो लोग खुद को उसकी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन जहाँ मान लीजिए पोखरे पर तो बाउंड्री है नहीं, कुछ खलिहान है वहाँ बाउंड्री नहीं है, कुछ मिनी सचिवालय वहाँ बाउंड्री नहीं है, तो बकरियाँ बच्चे तोड़ देते हैं। तो इसलिए जो है कि हम बड़े पौधे वहाँ पर लगाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क।